और अब बात करते हैं जबलपुर की, जहां आधारताल थाना क्षेत्र में बाइक सवार दो बदमाशों ने अपनी पड़ोसन के साथ पैदल जा रही एक महिला का झपट्टा मारकर पर्स लूट लिया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर बाइक सवारों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में दिख रहे आरोपियों को चिन्हित करके पता लगाया जा रहा है। मामले में आधारताल पुलिस ने बताया कि रविंद्र नगर में आलोक गृह निर्माण के पास रहने वाली मंजू रविवार की शाम को अपने पड़ोस में रहने वाली महिला के साथ पैदल टहलते हुए सब्जी के लिए जा रही थी। मंजू और उसकी पड़ोसन जैसे ही अपनी कॉलोनी के गेट के पास आगे निकली, तभी पीछे से बाइक सवार दो बदमाश आए और मंजू के हाथ में पकड़ा हुआ पर्स छीन कर ले गए। मंजू और उसकी सहेली जब तक संभल पाती, तब तक दोनों बदमाश वारदात देकर फरार हो गए। वहीं लूट की सूचना मिलने पर आधारताल टीआई शैलेश मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। वहीं आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में चेक किया तो वहां बाइक सवार बदमाश महिला का पर्स छीनते हुए दिखाई दिए। बाइक चलाने वाला बदमाश चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए है, जिसके पीछे बैठा बदमाश लाल शर्ट पहने हुए है। दोनों बाइक में बीच में एक कार्टून और थैला भी रखे हुए दिख रहे हैं। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।